हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आज संडे है इसलिए आज थोड़ा सा देर से उठे हैं। दिन की शुरुआत आज थोड़ा सा देर से हुई है, अभी बज चुके हैं 10 और राधा देखिए इस वक्त सफाई कर रही हैं। यशवर्धन अभी भी सोया हुआ है, इसे जगाएंगे क्योंकि आज हमें एक स्पेशल फंक्शन में जाना है। इसे अभी भी नहीं पता है हमें जाना कहाँ है। देखिए बिस्तर का क्या हाल कर देता है सोते सोते, पूरी चादर इसने एक जगह कर ली है और उसके अंदर घुसा हुआ है। मौसम बदलने लगा है, थोड़ी सी सर्दी होने लगी है। अब रात को हम चादर लेकर सोते नहीं है और फिर सर्दी लगती है तो जो चादर बिछाई होती है उसी को ओढ़ लेते हैं। राधा, टाइम लगेगा अभी? अच्छा, कुछ पियोगे क्या? अच्छा, अक्सर इन्हें चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर जाता है तो मैं कभी कभी बना देता हूँ इनके लिए। आज संडे है तो संडे की चाय मेरी तरफ से ही होती है, लेकिन अभी ये मना कर रही हैं तो मैं अपने लिए गर्म पानी कर लेता हूँ। सुबह के टाइम गर्म पानी पीना अच्छा होता है। गर्म पानी में शहद डालकर मैं सुबह एक गिलास ज़रूर पीता हूँ, ये अच्छा लगता है मुझे। ले लो आप भी कुछ। अभी नहा के। अच्छा, आज हमें यश की मौसी के यहाँ जाना है एक बार फिर से। आप कहेंगे कि कितना जाते हैं मौसी के यहाँ। मौसी के यहाँ आज हमें ऐसे ही नहीं जाना, आज उनके यहाँ भंडारा है। जन्माष्टमी से 6 दिन बाद छठी होती है ना दादा? हाँ। छठी का भंडारा है जिसमें कड़ी और चावल का भोग लगाया जाता है, तो उन्होंने हमें भी बुलाया। आज वहाँ चलेंगे और कड़ी चावल का भोग हम भी लगाएंगे। तो यशवर्धन को जगा लेते हैं। बेबी बेबी, बाबू उठ जाओ बेटे, मौसी के चलना है आज, चलोगे ना? ये तो अभी नींद में मना कर रहा है, लेकिन उठकर इसे बड़ा मजा आता है वहाँ जाने में। वहाँ से प्रिया दीदी मिलती हैं, गगन भैया मिलते हैं, इनके साथ इसकी खूब पटती है और राधा अपनी बहन के साथ खुश हो जाती हैं और मैं इन दोनों को खुश देखकर खुश हो जाता हूँ। पानी बॉईल हो गया है, अब बस थोड़ा सा शहद और ये गर्म पानी। और ये तैयार हो गया हमारा सुबह का हेल्दी ड्रिंक। राधा तो तैयार हो गई है लेकिन ये अभी तक सोया हुआ है, इसको जगाते हैं। इसे अब तक ये पता नहीं है कि मौसी के घर जाना है, तो इसे बताते हैं मौसी के घर जाना है, फिर देखते हैं इसका रिएक्शन। यश बेटे, मौसी के घर जाना है आज, मौसी के घर मजा आएगा ना? गगन भैया देखिए मौसी के घर के नाम से खुश हो जाता है। चलो जल्दी से उठ के नहा कर आओ, उनका 2 बार फोन आ गया बेटे। चलो उठो, नहीं जाना क्या? जाना है ना तो उठ जाओ। दोस्तों, मुझे लगता है कि हमारा फेवरेट स्पॉट है मौसी का घर, अक्सर हम वहाँ जाते रहते हैं। आजकल तो थोड़ा सा कम जा रहे हैं जब से प्रिया की शादी हो गई है, लेकिन पहले खूब जाया करते थे। राधा, टाइम लगेगा अभी? मेरा तो हो गया काम। चाय आप यहाँ बना रही हो और वो वहाँ पे चाय बना के नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। माँ भी पी लेंगे। ये क्या है? चने। नाश्ते के लिए? आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ। उठते ही टैप पकड़ लिया, जो कभी गलत काम है बहुत ही, और राधा फटाफट से काम सारे निपटा रही हैं ताकि हम जल्दी से चल सकें। आज इनकी स्पीड देखते ही बनती है, देखिए कितनी फुर्ती से काम कर रही हैं। तो हम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ये भी तैयार है, मैं तो सुबह से ही तैयार हूँ और अब तो राधा भी देखिए तैयार हो गई हैं। इनकी फाइनल पैकिंग चल रही है। ये बलून्स जो हमने कल गाड़ी सजाई थी, देखिए थोड़े से बच भी गए, थोड़े नहीं काफी बच गए, काफी ज्यादा मिल गए थे। चलें जी, चलो आओ बेटे। बेल्ट बॉटल है क्या? तो गाड़ी कल हमने ढक दी थी तो देखो इतने आराम से खड़ी हुई है। कवर का फायदा तो है वैसे ना, अब हमें सफाई नहीं करनी पड़ेगी।
बैठो बेटे। ये तो सबसे पहले अच्छा कल वाले बैलून से खेल रहा है। दोस्तों बाकी सारी डेकोरेशन तो हमने कल हटा दी थी क्योंकि गाड़ी बाहर खड़ी होती है, कोई नहीं समझ के हाथ ही ना साफ कर ले। एक बलून रह गया था उससे ये खेल रहा है अभी। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, मौसम अच्छा है। ले बेटा चलाने दे, देख रोड पे ट्रैफिक होता है। अरे तो यहीं इसी वाले फास्ट। अच्छा हो गया है पापा गाड़ी चला रहे हैं, मेरा भी मन है गाड़ी चलाने का लेकिन अभी मैं स्मॉल हूँ। अभी नहीं बेटा, अभी तो आपको बहुत साल लगे हैं गाड़ी चलाने में। मम्मी चला सकती हैं, मैं तो चलाओगे आप? यहाँ पे नहीं, अब ट्रैफिक है यहाँ पे, यहाँ पे भी ट्रैफिक है। दोस्तों इस बार कहीं बाहर जाएंगे ना लॉन्ग ट्रिप पे तो राधा से हाईवे पर गाड़ी चलवाएंगे ट्रैफिक के बीच में। मुझे भी सीखना है गाड़ी। राधा ने एक बार चलाई थी खेतों में, हम गए थे तो वहाँ राधा चला चुकी है। वैगनार चलाई थी ना आपने, तो मजा आएगा। इस बार सिखाऊंगा आपको गाड़ी चलाना। हाँ थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए, ठीक है चला लो तो फिर तो। नोनू को तो मैंने सिखा दिया, वो 18 का हो गया, उसका लाइसेंस भी बन गया। यशवर्धन को अभी टाइम लगेगा लेकिन इसको भी सिखाएंगे जब बड़ा हो जाएगा। तो मौसम देखिए कितना सुहाना हो गया। और ये आ गया खाने खाना मकबरा, हमने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था जब हम बाइक से आए थे। देखिए बाइक से तो हम रुक जाते हैं, यहाँ आराम से देख लेते हैं, लेकिन अभी हम चलते हुए देख पाएंगे। अच्छा सबकी ना एक जैसी शेप होती है इनकी ना? हाँ सब ये पहले एक ही जैसे होते थे डिजाइन, जितने भी देखो सबका यही होता, बढ़िया होते हैं सारे। तो आज कृष्ण जी की छठी है, देखिए यहाँ भी भंडारा चल रहा है और बातों बातों में हम पहुँच भी गए, बस सामने ही जाना है। बातों बातों में पता ही नहीं चला सफर कब पूरा हो गया। हम पहुँच गए हैं, बाल बाल ठीक कर लेते हैं, अब चलते हैं मौसी के घर। राधा तैयार हो ना पकोड़े खाने के लिए? मैं तो कम ही खाऊंगी। ये तो कम खाएंगे, मैं तो खा लूंगा। वैसे 75 आवर चल रहा है लेकिन कभी कभी तो खा सकते हैं। ये क्या कर रहा है पीछे? अरे मेरे बलून में चश्मा टक गया। इसका चश्मा देखिए बलून में फंस गया। ये कैसे फंसा दिया? लाओ मैं करूंगा ठीक। बैलून भी और चश्मा भी। दोस्तों मौसी के घर के बाहर ही उन्होंने देखिए भंडारा लगाया हुआ है, तो घर में चलने से पहले भंडारे का जायजा ले लेते हैं। यशवर्धन तो आगे भाग गया है, इसे बहुत जल्दी रहती है घर में जाने की, वहीं मौसी भी मिलेंगी तो मैं भी चलता हूँ। यहाँ राधा पहले से ही बैठी हुई है और ये मौसी, बाकी बच्चे भी, और आते ही ये पकौड़े मिल गए हमें साथ में चटनी। ये छोटे छोटे बच्चे पूरा मज़ा ले रहे हैं, आजकल बच्चे हमसे ज़्यादा मज़ा लेते हैं। ये मोबाइल का देखिए इसे कितना शौक है। और अब डांस करके दिखाओ बेटे, ये हमारे लिए करेंगे बढ़िया सा डांस। सब अपने अपने कामों में बिजी हैं, राधा अपनी बहन के साथ बिजी हैं, बच्चे आपस में बिजी हैं और कुछ बच्चे इससे डांस कराने में बिजी हैं। यशवर्धन अपने भैया के साथ यहाँ भी देखिए मोबाइल में गेम खेल रहा है और अब कार्ड गेम शुरू हो गया। मैं इन सबको मज़े लेते हुए देखकर खुश हो रहा हूँ। और अब हम भी कड़ी चावल का भोग लगा लेते हैं। यशवर्धन को तो पकोड़ा नहीं चाहिए, वो मैं ही ले लेता हूँ। लो बेटे देखो कितना अच्छा लग रहा है। और राधा को तो बहुत ही टेस्टी लगा। कैसा है बेटे, कैसा है बताओ? अच्छा है, इसे बोल। गाइस चलते हैं अब घर वापस, भंडारे का भोजन तो कर लिया, कैसा लगा? मजा आ गया। यश क्या हूँ, मजा आया। चलें अब हम भी हैं, हमें भी दिखा दो, हम भी हैं।
अब घर जाके क्या करना है? घर जाके अब आराम करेंगे, थक गए। मस्ती, हाँ मस्ती चल रही है, जीवन ही मस्ती का है आपका तो। दोस्तों घर पहुंच गए हैं। घर में आते ही देखिए गर्मी लगने लगी, क्योंकि वहां एसी में बैठे हुए थे, गाड़ी में एसी था, और घर में आते ही एकदम गर्म गर्म लग रहा है। ये थक गया है और हमें मज़ा आ गया घर आकर। अपना घर अपना ही होता है। तो अब इस व्लॉग को एंड करते हैं, काफ़ी थकान हो गई, अब रेस्ट करेंगे। आपसे मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बाय। ये तो लगता है सो ही जाएगा अभी, लेकिन सोने नहीं देंगे, क्योंकि अभी सो गया तो फिर ये उठेगा नहीं, सुबह ही उठेगा, तब स्कूल जाना है। तो चलिए अब कल मुलाकात करेंगे।